रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मास्टर जाविर बंगश, आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, देखो इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। पुराने ज़माने में ना रॉड हुआ करते थे, ना इतनी मेडिकल हुआ करती थी, ना इतने मतलब लोगों में तजुर्बा हुआ करता था। जो चीज़ें पुरानी थी वो बहुत अच्छी थी। मसलन हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स के जो है वो मसाज करते थे, मालिश करते थे, हथेलों की अच्छा जो मैं वीडियो बना रहा हूँ देखो, इसके अंदर आप यकीन करें, अगर आपने इसको फॉलो किया कुछ अरसे तक, मुर्दा से मुर्दा जिस्म भी हो ना, तो वो भी यकीन करें आप जो है वो एक्टिव करने लग जाएगा। मसलन आपका आप डिप्रेशन के शिकार है, आप पालच का अटैक है, आपका पाँव सही काम नहीं कर रहा, आपके पाँव में जो है जलन हो रही हो, आपके हथेलियों में रात को, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी रात को पैरों में जलन हो, हाथ हथेलियों में जलन होते हो, ऐसी पट्टों में दर्द हो रहा होता हो। देखो अरब में एक चीज़ मशहूर है कि वो लोग अपने नाप पे ना तेल लगाते हैं रात को, ये बड़ा कमाल की चीज़ है, मतलब इसको आप अपने जहन में। मैं जो आपको पांच चीज़ें आज बता रहा हूँ ना, पांच चीज़ों के अंदर बहुत सारी हिकमत है। मैंने जो पिछले क्लास में एक वीडियो बनाई थी, वो उसमें मैंने कहा कि हज़रत लुकमान हकीम का भी ये टोटका है, तो लोगों ने कहा कि वो हकीम नहीं है, और मुझे इलम है कि वो हकीम, वो हिकमत के हकीम है। वो मतलब अपने बेटे को जिस तरह तरबियत दे रहे थे, वो उसके हकीम हैं। तो लिहाजा ये है कि मैं अगर कोई ऐसी वैसी बात कर जाता हूँ तो मतलब आप जो है माशाल्लाह से, बहरहाल आपने देखे कुछ चीज़ों के मतलब ऑयल के साथ मसाज करना है। देखो हमारे ज़माने में पुराना मतलब देखो, अभी आजकल के दौर में ये चीज़ें नहीं मिलती, सांप का तेल नहीं मिलता, सांडे का तेल नहीं मिलता, ये बड़े मुश्किलों से, अगर मिलता भी है तो पता नहीं, फिर भी अगर आपको मिले तो सरसों का तेल हो गया, सांडे का तेल हो गया, जैतून का तेल हो गया। देखो जैतून कुरान पाक में तज़किरा है, उसको मतलब हम इग्नोर नहीं कर सकते। इससे अगर आप कुछ चीज़ों के मसाज करेंगे, आप यकीन करें आप सारे ज़िंदगी फिट रहेंगे, और मुर्दे से मुर्दे जान होगा, डिप्रेशन का शिकार होगा, सर में दर्द होगा, पट्टों में दर्द होगा, पैरों की जलन होगी, हाथों की जलन होगी, बॉडी में दर्द होगा, ये सारी चीज़ें उससे बेहतर हो सकती है अगर करेंगे। आप क्या करेंगे तो कैसे करना है थोड़ा करीब आ जाओ। मसलन ये इसके हाथ की हथेली है, ऑयल दिया, ऑयल लाने के बाद ये 1 2 3 यहाँ पे मसाज किया, अच्छे खासा मसाज किया, उसके बाद को वाहद करो, उसके बाद हाथों के अंदर हाथ डालना है ऐसे 1 2 3। ये पट्टे जो हैं, ये पूरे पट्टे ही हमारे जो गर्दन के पट्टे से लेके ये नीचे तक जा रहा होता है, इन सब को यकीन करें ये बहुत फ़ायदा होगा। इन दोनों हाथों के फिर आपने मसाज किया, फिर ये फिंगर्स के एक एक चीज़ की मसाज करना है इसके ऑयल के साथ, कम से कम 5 से 10 मिनट आपने मसाज करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने देखे यहाँ हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो 1, अब देखे ये देखो इनको वहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि करंट यहाँ लगने लगता है, उसकी मसाज करें। उसकी मसाज करने के बाद दूसरा पैर उठा के दो, बैठ जाओ, इस पे ऑयल डालना है, ऑयल डालने के बाद इसको ऐसे मसाज करना है, ऐसे ऐसे मसाज करना है 1 2 3 4, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद आपने उसके यहाँ पे मसाज करना है, ये करना है 1 2 3। बेटा ऐसे दिखाओ ताकि इनको नज़र, थोड़ा सा इधर इस तरह बैठ जाओ, अब पैर उठा के दो, सही है। अच्छा यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, आप यकीन करें यहाँ पे हमारे 8,000 नसें हैं, उन 8,000 नसों का वजह क्या है, देखो ये जो पैर होता है कुछ, किसी का फ्लैट होता है वो, किसी का मतलब थोड़ा सा ऊपर मुड़ा होता है, वो वाला जो पॉइंट होता है वो हमारे ज़मीन पे लगता नहीं है, इस वजह से हमारे बहुत सारे आप गंजा होना शुरू हो जाते हो, आपकी झुर्रियाँ पड़ने लगती है, आपकी मतलब हल्के पड़ने लगते हैं, आपका स्किन जो है वो श्रिंग हो जाता है। इसकी मसाज करो 1 2 3 4 5 6 ऑयल के साथ, ऑयल के साथ ज़रूर ये 1 2 3। अच्छा अब ये थोड़ा इधर आ जाओ, ये देखो ये जो पट्टा है ना, ये एड़े से थोड़ा सा ऊपर, आप इसको भी ये दिखा दो, एड़े से थोड़ा सा ऊपर इस पट्टे को आपने मसाज करना है, इसको मसाज करना है ऑयल के साथ 1 2, फिर उसके बाद इसको थोड़ा ऊपर करो, ऑयल दोनों हाथों पे लगाया है, सही दोनों हाथों पे ऑयल लगाया, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7,
ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए 1 2 3, ये ये हो गए, ये हो गए। बीपी जिसका हाई हो, जिसका बीपी लो हो, कोई डिप्रेशन का शिकार हो, कोई पालिश का मसला हो, किसी को पट्टों के दर्द का मसला हो, सर का दर्द हो, कहीं जा नहीं रहे, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा फॉलो करें। देखिए ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये हम लगते नहीं है कहीं ज़मीन पे, इसको आप मसाज करना शुरू करें, इंशाल्लाह आप बड़े से बड़े, आप ये चीज़ें डॉक्टर्स को नहीं पता, डॉक्टर सिर्फ आपको मेडिकल वाली चीज़ें बता देते हैं कि आप ये दवाई ले लो, फला दवाई ले लो, वो हमें साइड इफ़ेक्ट कितना होता है उसके अंदर वो तो हमें नहीं पता। अगर आप इसको फॉलो करेंगे साथ साथ में, देखो ठंडे पानी से नहीं नहाना है, भले गर्मी ही क्यों ना हो उससे नहीं नहाना है, और धूप, हम लोग धूप नहीं लेते, हमारी सबसे बड़ी गलती ये, हम धूप नहीं लेते। देखो धूप का लेना बहुत ज़रूरी है, आम के अंदर विटामिन डी है, गंदम के अंदर विटामिन डी है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर, देखो बादाम के अंदर विटामिन डी है। अच्छा विटामिन डी 17, अब्दुल कादिर का मैंने वो एक इंटरव्यू देखा था, उसमें भी ये चीज़ बताई थी कि मतलब ये कैंसर जो होता है वो क्यों होता है, हम लोगों को कैंसर क्यों होता है, हमारे जिस्म में विटामिन डी 17 की कमी होती है। अच्छा विटामिन डी 17 वाहिद जो है वो बादाम के अंदर मौजूद होता है। अब ये विटामिन डी इन चीज़ों में क्यों मौजूद है, क्योंकि ये धूप से पकती है। आम जब आप देखो मतलब आम बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आम जाके पकने लगता है, वो विटामिन डी से भरपूर है। अब इसी तरह गंदम हो गया, इसी तरह बादाम हो गया, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर विटामिन डी है, वो पूरे दिन वो धूप के आगे मतलब लगा रहता है, वो धूप से वो चीज़ें लेता है, हासिल करता है, विटामिन डी हासिल करते हैं। तो साथ साथ में अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, रात को हल्दी आधा चम्मच से, चाय की छोटी चम्मच से आधा दूध, नीम गर्म दूध में हल्दी डाल के पिए, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, कोई इसी चीज़ की बीमारी के इंशाल्लाह आपके करीब ही नहीं आएगी। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करें, इन मसाज करें, पूरे जिस्म का मसाज करें, पिंडलियों का मसाज करें, इन हथेलियों का मसाज करें, फिंगर्स का मसाज करें, और इसी तरह हाथ के पतीलियाँ मसाज करें, ये चीज़ें मसाज करें, सर पे मसाज करके, सर पे मसाज करें। बेहतर है कि अगर देखो सर पे हम जो मसाज करते हैं, अगर कोई औरत मतलब किसी मर्द को मसाज करे सर पे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर मर्द को कोई औरत को अगर मर्द मसाज करे तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। ये मैं आपको बड़ी पॉइंट की बात बता रहा हूँ। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे, सर की मसाज करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका दिमाग तेज़ होता है, बच्चों का दिमाग तेज़ होता है। तो इंशाल्लाह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह मैं जल्द एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।